एसटीएफ ने एक व्यक्ति को 9 किलो 248 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। नागपुर में मंगलवार को आरपीएफ की ओर से नागपुर स्टेशन पर एक व्यक्ति को 9 किलो 248 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसकी कीमत 92,000 रूपए आकी गई है। जानकारी के अनुसार नागपुर आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा के निर्देशन में गठित स्पेशल क्राइम डिटेक्शन टीम के सदस्य आरएसआर विकास शर्मा द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गश्त के दौरान एमसीओ गेट के पास एक व्यक्ति 2 बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में नजर आए। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम धर्मवीरू रुद्रमल नाथ योगी बताया गया और नाड़ी टिकरिया जयपुर राजस्थान का रहने वाला बताया गया। नागपुर आने का कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह रायपुर से बैतूल जा रहा था। स्टाफ द्वारा उसके पास दोनों बैग के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा दोनों बैग में तंबाकू है ये बताकर स्टाफ को गुमराह करने की कोशिश की गई। स्टाफ द्वारा उसके पास के बैग को खोलकर देखने पर उसके अंदर पीले टेप से लिपटे हुए कुछ पार्सल नजर आए जिससे मादक पदार्थ जैसी तेज बदबू आ रही थी। जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर से कुल 9.248 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत 92,000 रूपए मिली। जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पकड़े गए आरोपी के साथ जीआरपी के हवाले किया गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस ऐप डाउनलोड करें और